नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनके सारे सवाल मुझे नहीं पता, बस इनका सवाल था कि आप इन पर एक वीडियो बना दीजिए। तो वही करते हैं जो उन्होंने कहा था, जो जो मुझे इनके हाथ में दिखेगा मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपके हाथ में देखूँ तो ये आपके हाथ में सूर्य पर्वत की स्थिति है। सूर्य पर्वत पर देखें, दो रेखा हाथ में मौजूद है। जब सूर्य की स्थिति पर ये रेखा होती है तो इसका मतलब ये देखा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में सूर्य देवता की असीम कृपा को पाने वाला रहेगा। बाकी सूर्य देव के जो उपाय रहते हैं वो मैं आपको दे दूंगा। अगर सूर्य देव के उपाय डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो फिर आपको अपने जीवन में अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। इस तरह के योग आपके हाथ में सूर्य पर्वत पर मैं देख पा रहा हूँ। बाकी सूर्य देव को डेली जल देकर आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। अगर आपके हाथ में यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके हाथ में शनिदेव की स्थिति है। शनिदेव की स्थिति हाथ में काफी अच्छी और मजबूत है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा तो बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छा रहता है। बुढ़ापे में नॉर्मल इनकम, स्टेबल इनकम व्यक्ति को जीवन में मिलने वाली रहती है। जो हाथ में इस प्रकार की रेखा शनि के क्षेत्र पर होती है। तो गुरुदेव बृहस्पति पर अगर आएंगे तो बृहस्पति पर सीधी खड़ी रेखा है। बृहस्पति पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद होना, इसका मतलब, इसका संकेत साफ साफ इस बात पर जाता है कि आप अपने जीवन में जितना लोगों का भला करेंगे, जरूरतमंदों के काम आएंगे, उतना ही आपको अपने जीवन में शुभ लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। तो समाज सेवा से आपके जीवन में बड़ा लाभ है। समाज सेवा जिस प्रकार जैसे भी किसी की करते हैं उसमें आपको 100% बड़ा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपके अंदर धनुषाकार रेखा बन रही है। जब धनुषाकार रेखा बनती है तो व्यक्ति काफी समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय ले लेता है। व्यक्ति जीवन में जल्दबाजी में आकर, गुस्से में आकर, ऐसे भावनाओं में बहकर व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेता है। शुक्र का क्षेत्र आपके हाथ में अच्छा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आड़ी रेखा मौजूद है, तो हल्की फुल्की पारिवारिक समस्या रहती है, बट ये देखिए ओवरऑल शुक्र आपके हाथ में काफी मजबूत है। शुक्र की स्थिति जब इस प्रकार की होती है तो ये इस बात को संकेत करता है कि व्यक्ति का जो बड़ा पैसा रहेगा वो लग्जरी इस पर खर्च होगा, सुख सुविधा की चीजों को अर्जित करने में खर्च होगा। ये आपके हाथ में मुझे शुक्र के हिस्से पर रेखा दिख रही है। मंगल आपके हाथ में इससे भी अच्छे हैं। मंगल देवता किसी तरह आपको मिलेगी। यहाँ पर आड़ी रेखा है तो देखिए, मंगल पर आड़ी रेखा जब होती है तो व्यक्ति गुस्से में अपना नुकसान कर सकता है। गुस्से में नुकसान होना या फिर जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों पर नुकसान खा जाना, इस तरह के हाथ में योग बनते हैं। तो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी कैसे भी किसी तरह से जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले। जल्दबाजी में संयम की कमी, जल्दबाजी में निर्णय लेना और गुस्से की वजह से कुछ ना कुछ गलत कर बैठना, इस तरह के योग हाथ में बन रहे हैं। तो गुस्से पर काबू रखिएगा और जीवन में जो भी, देखिए फैमिली वाइज या फाइनेंशियल वाइज जो भी निर्णय लें, इंपॉर्टेंट डिसीजन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वो सोच समझ के ही लीजिएगा, तभी आपको जीवन में लाभ मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर अगर आपके हाथ में देखूँ, आपके हाथ में बुध की स्थिति अच्छी है, काफी मजबूत है। बुध से रिगार्डिंग कोई दिक्कत परेशानी आपको अपने जीवन में नहीं आने वाली रहेगी। बाकी देखिए, बुध देवता दर्शाते हैं कि व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति व्यापार कैसा कर पाएगा, बिजनेस सेंस है या नहीं है, बिजनेस की एबिलिटी है या नहीं है, व्यक्ति अगर बिजनेस करे तो वो चलेगा नहीं चलेगा। इसके अलावा व्यक्ति एक मोटिवेटर कैसा है, एक अच्छा लीडर बन पाएगा नहीं बन पाएगा, हैबिट्स को दिखाते हैं, आदतों को दर्शाते हैं। बहुत सारी चीजें बुध द्वारा देखी जाती हैं। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन में जितना अपनी पसंदीदा चीजों पर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि व्यक्ति को अपनी वाणी पर पूरा काबू रहता है, कि आप अपने जीवन में अपनी वाणी द्वारा अपने बड़े जन एवं गुरुजनों का मान सम्मान करेंगे। ये योग आपके अपने गुरु से बंधे हैं। मीठी वाणी होना, मध्यम सुंदरता होना, एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होना, इस तरह के भी आपके हाथ में रेखाओं द्वारा पूरे पूरे योग बन रहे हैं। ये आपके हाथ में चंद्र का हिस्सा है। चंद्र का हिसाब के हाथ में काफी मजबूत है। देखिए, जब चंद्र की स्थिति किस प्रकार की होती है तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि मन में शांति बनी रहेगी। जीवन में कुछ भी कर लीजिए बट मन से अशांत नहीं होंगे। जैसे समस्या आ गई जीवन में कोई बात नहीं, बट समस्याओं से में भी पढ़कर व्यक्ति मन से अशांत नहीं होता। इस तरह के योग आपके हाथ में मुझे चंद्र द्वारा देखने को मिलने वाले रहेंगे। और ये देखिए, ये दिखाते हैं कि महादेव की व्यक्ति कैसे भी किसी प्रकार भी आपके हाथ में होती है और वो बहुत बड़े बड़े लाभ मिलेंगे। तो महादेव की व्यक्ति कीजिएगा, उससे लाभ मिलेगा। देखिए, भारी मंगल आपके हाथ में हल्के से उभरे हुए भी हैं। ये दिखाते हैं कि आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव रहेगी। ऐसा व्यक्ति जब पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, हमेशा पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ फैलाता है, पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट करता है, कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करते। कोई जीवन में डीमोटिवेट व्यक्ति भी आ जाए तो उसे मोटिवेट करके भेजते हैं। इसके अलावा हाथ में बहुत सारे लाभ जैसे देते हैं कि जिस व्यक्ति को बात करने का तरीका पता होता है, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना, इस तरह के भी योग हाथ में भारी मंगल द्वारा देखने को मिलने वाले होते हैं। यदि आपके हाथ में आपका मणिबंध दिखा है तो मणिबंध दो रेखा है। देखिए, मणिबंध पर दो रेखा अच्छी नहीं होती, कम से कम तीन रेखा तो होनी ही चाहिए थी। जब मणिबंध पर दो रेखा होती है तो इसका तात्पर्य ये समझा जाता है कि आप जैसे व्यक्ति अपने जीवन में, आप मान के चलिएगा कि बहुत सारे लाभ आपको देखने को मिलेंगे, बट जो इसका नेगेटिव प्रभाव वो ये आता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को शारीरिक कष्ट होते हैं,
बीमार होता है व्यक्ति अपने जीवन में बीमारियों का सामना कर लेता है बुढ़ापे के अंदर। तो ये समस्या ना, इसमें आपको उपाय दे दूंगा। उपाय ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह सुबह हरे कृष्ण मंत्र का अगर आपके द्वारा जाप होता है तो आपको समस्या नहीं आएंगी। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए, उससे लाभ मिलेगा आपको। बाकी अगर जितना समाज सेवा करते हैं, लोगों के काम आते हैं, उससे भी व्यक्ति का भाग्य अच्छा होता है और तेजी से होता है। तो इस तरह के भी आपके हाथ में मुझे प्रॉपर योग बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यही चीज आपके हाथ में, बुढ़ापे के अंदर स्वास्थ्य रिगार्डिंग समस्या आ सकती है, वो समस्या कम आए। कैसे आए? तो उसके लिए आप जितना हो सके नंदी महाराज की सेवा, गौ सेवा, हरे कृष्ण मंत्र का जाप और एक अन्नदान और वस्त्रदान, जितना और जिस प्रकार करेंगे उससे आपकी समस्या कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी और समस्या जो जीवन में आने वाली है वो कटनी शुरू हो जाएंगी। तो ये योग आपके हाथ में रेखाओं द्वारा मुझे साफ साफ दिख रहे हैं। यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपके हाथ में यहाँ पर जो आपकी उंगलियों के फैलेंजेस हैं वो ऊपर वाले फैलेंजेस हल्के से छोटे पड़ गए हैं। ये कॉम्बिनेशन जब हाथ हाथ में होता है तो ये व्यक्ति का नेचर थोड़ा खर्चे वाला भी बनाते हैं जब फैलेंजेस खुले हुए होते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा दिखी जाए, हृदय रेखा अच्छी है, मजबूत है, हृदय रेखा जा रही है गुर्दे बृहस्पति की तरफ। जब हृदय रेखा गुर्दे बृहस्पति की तरफ जाती है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि आप जैसे व्यक्ति अपने जीवन में समाज सेवा से बहुत बड़ा लाभ कमाएंगे। आप अपने जीवन में जो अच्छा पैसा कमाएंगे उसमें समाज सेवा का काम बहुत अच्छा रहने वाला है और भी बहुत सारे शुभ लाभ ये रेखा देने वाली होती है। और कुल मिला के ये व्यक्ति को बहुत अच्छा, व्यक्ति का जो रुझान है, व्यक्ति का रुझान अध्यात्म की तरफ जाता है। इसके साथ साथ व्यक्ति धार्मिक भी बनता है और धार्मिकता होने के साथ साथ व्यक्ति अपने जीवन में एक अच्छी नेम फेम, पॉपुलरिटी, पावर हो गया, आपकी पोजिशन हो गई, अथॉरिटी, जितनी भी अच्छी चीज़ होती है सारी व्यक्ति जीवन में अर्जित करता है जब हाथ में इस प्रकार की मान सकते हैं गुरु परत्वर रेखा होती है। तो यदि आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो मस्तिष्क रेखा सीधी है, अच्छी है, काफी मजबूत है। जब इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा होती है किसी भी व्यक्ति के हाथ में तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आप जैसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर वाले होंगे, नेचर काफी अच्छा रहेगा, छोटी छोटी बातों को जल्दी परखना, इस तरह की आदत व्यक्ति के अंदर देखी जाती है। व्यक्ति का लॉजिक सेंस बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति हर चीज में लॉजिक ढूंढता है, जहाँ लॉजिक ना मिले उस बात को नहीं मानता। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो स्ट्रेस, परेशानी, चिंताओं में रहने के हाथ में कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। रेखाएं है आपके हाथ में फिर भी काफी मजबूत मुझे दिख रही हैं। यदि आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा देखी जाए, जीवन रेखा अच्छी है, काफी मजबूत है, जीवन रेखा सीधी जा रही है। देखिए जब जीवन रेखा सीधी जाने लगे तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा ट्रैवलिंग का संकेत करती है, व्यक्ति अपने आने वाले समय में काफी ज्यादा ट्रैवलिंग करने वाले रहेंगे। बट अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो एक हिस्सा इस प्रकार आया है, ये हिस्सा इस प्रकार आया। देखिए जीवन रेखा जैसे कि हर दूसरे हाथ में ये रेखा पाई जाती है कि जीवन रेखा लास्ट में आकर दो भागों में टूट गई है। जब जीवन रेखा लास्ट में आकर दो भागों में टूट जाए तो इसका मतलब साफ साफ ये देखा जाता है कि आप जैसे व्यक्ति अपने जीवन में बुढ़ापे में अच्छा लाभ कमाने वाले होते हैं और बहुत सारे शुभ लाभ ये रेखा आपको देती है, जैसे कि संतान द्वारा सेवा होना, मल्टीपल ट्रैवलिंग होना, ट्रैवलिंग से लाभ होना, व्यक्ति को बुढ़ापे में पैसे की तंगी नहीं आती जब हाथ में इस प्रकार दो भागों में टूटी हुई जीवन रेखा होती है। तो यदि आपके हाथ में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये भी रेखा कुछ बनी हुई है। देखिए ये रेखा जब हाथ में होती है, देखिए चंद्र और शुक्र का मिलान हो रहा है, ये जब मिलान होता है तो व्यक्ति का जो करेक्शन जाता है पिछले जन्म से जरूर जाता है। तो ये भी आपके हाथ में पूरे पूरे योग मुझे बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए। देखिए आपके पाम की हाइलाइट क्या है, आपके पाम की हाइलाइट ये है कि भाग्य रेखा अच्छी है, मजबूत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीज़ें सही है, एक नॉर्मल हाथ जिसे मैं कह सकता हूँ वही है। बस ध्यान रखिएगा कि कभी आपके जीवन में आप किसी से धोखाधड़ी वाले कार्य ना करें, कभी किसी की बद्दुआ ना लें, कभी किसी से बीमारी ना करें। अगर ऐसे कार्य करते हैं और जीवन में अगर ऐसे कार्य नहीं करते हैं और जीवन में एक अच्छा व्यवहार रखते हैं लोगों के साथ तो जीवन में बड़ी तरक्की आपका इंतजार कर रही है। बाकी आपको कुछ मैं उपाय नहीं दूंगा, कोई उपाय बस उपाय की आपको जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि जीवन में कभी किसी से धोखाधड़ी, कभी किसी से बद्दुआ मत लीजिएगा, कभी किसी से बीमारी मत कीजिएगा, कभी किसी को धोखा मत दीजिएगा। ये अगर कार्य ध्यान से करते हैं तो फिर जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद अपना रिव्यू दे दीजिएगा कि आप सेटिस्फाई नहीं है, जो डॉक्टर क्वेरी बच जाएंगी आपको पर्सनली बात पे बता देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।